फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे छोटे बच्चों के लिए ये स्वेटर डिज़ाइन। इस तरह से बन जाएगा फ्रेंड्स से। आप इस डिज़ाइन को छोटे बच्चों के स्वेटर में अप्लाई कर सकती हैं। इस डिज़ाइन के लिए हमने दो दो के हिसाब से फंदे रखने हैं। एक्स्ट्रा हमने दो फंदे रखने हैं। आइए सीखते हैं। बॉर्डर पट्टी बनाने के बाद अब हम सेकंड कलर यूज करेंगे। एक्स्ट्रा फंदा हमने सीधा बना लेना है। दो फंदे और सीधा बना लेंगे, एक दो। अब इधर हमने दो फंदे के साइड से इस तरह से धागा लेना है, फिर इन दोनों फंदों को सीधा बना लेना है, एक दो। उल्टे हाथ की सिलाई से इस फंदे को फिर हमने इस तरह से ले लेना है, दो फंदा सीधा बना लेंगे, एक दो। दो फंदे के साइड से हमने इस तरह से फंदा लेना है, फिर इन दोनों फंदों को सीधा बना लेंगे, एक दो। इस फंदे को इन दोनों फंदों के ऊपर इस तरह से ले लेंगे, दो फंदा सीधा बना लेंगे। फर्स्ट रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड, एक्स्ट्रा फंदा हमने उल्टा बना लेना है। और इधर हमने सीधे हाथ की सिलाई से इस फंदे को इस तरह से ले लेंगे, उल्टे हाथ की सिलाई से इस फंदे को ले लेंगे। इसके बाद फिर हमने इन फंदों को उल्टा बना लेना है। इधर हमने सीधे हाथ की सिलाई से पहले इस फंदे को लेंगे, उल्टे हाथ की सिलाई से इस फंदे को ले लेंगे। दोनों फंदों को उल्टा बना लेंगे। इधर भी पहले हमने आगे की तरफ से इस फंदे को ले लेना है और उल्टे हाथ की सिलाई में हमने इस फंदे को रखना है इस तरह से। इसके बाद हमने इन फंदों को उल्टा बना लेना है। इधर पहले हमने इस फंदे को सीधे हाथ की सिलाई में रखेंगे। उल्टे हाथ की सिलाई में इसको हमने इस तरह से ले लेना है, उल्टे हाथ की सिलाई में रखेंगे, इन फंदों को उल्टा बना लेंगे। इन दोनों फंदों को उल्टा बना लेंगे। सेकंड रो यहां पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो, पूरी रो हमने सीधी बना लेनी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड, पूरी रो उल्टा बना लेंगे। फोर्थ रो का डिजाइन है फ्रेंड्स से, इन्हीं फोर्थ रो को हमने बार बार रिपीट करना है। फोर्थ रो बनाने के बाद अब हम बेसिक कलर यूज करेंगे। एक फंदा सीधे ही बना लेंगे, दो फंदा और सीधा बना लेंगे। फर्स्ट रो की तरह दो फंदा और सीधा बना लेंगे। अब फिर हमने इधर से दो फंदे के साइड से इस तरह से फंदा लेना है, इन दोनों फंदों को सीधा बना लेना है, एक दो। उल्टे हाथ की सिलाई से इस फंदे को इस तरह से ले लेना है, दो फंदा सीधा, एक दो।
दो फंदे के साइड से हमने इस तरह से धागा लेंगे, दो फंदा सीधा बना लेंगे, फिर उल्टे हाथ की सिलाई से इस फंदे को इस तरह से ले लेना है, दो फंदा सीधा, एक दो। फर्स्ट रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो, एक्स्ट्रा फंदा हमने उल्टा बना लेना है। अब इधर हमने सीधे हाथ की सिलाई से पहले इस फंदे को आगे की तरफ से इस तरह हमने ले लेना है, उल्टे हाथ की सिलाई से इस फंदे को हमने अंदर की तरफ ले लेंगे, फिर इन दोनों फंदों को उल्टा बना लेंगे। इधर हमने पहले इस फंदे को सीधे हाथ की सिलाई में रखना है, उल्टे हाथ की सिलाई में हमने इस फंदे को रख के इन दोनों फंदों को उल्टा बना लेना है, एक दो। इधर भी पहले हम आगे की तरफ से इस फंदे को इस तरह से ले लेंगे, सीधे हाथ की सिलाई में रखेंगे, उल्टे हाथ की सिलाई में हमने इस तरह से इस फंदे को रखना है, फिर दोनों फंदों को उल्टा बना लेंगे। इधर हमने इस फंदे को पहले सीधे हाथ की सिलाई में रखना है, उल्टे हाथ की सिलाई में हमने इस फंदे को रखना है, फिर इन दोनों फंदों को हमने उल्टा बना लेना है, एक दो। बाकी फंदे भी उल्टा बना लेंगे। सेकंड रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है दूसरे डिजाइन की। थर्ड रो, पूरी रो हमने सीधी बना लेनी है। डिज़ाइन बनने के बाद एक रो पूरी सीधी बना लेनी है और एक रो हमने पूरी उल्टी बना लेनी है। थर्ड रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो, रॉन्ग साइड, पूरी रो उल्टा बना लेंगे। आप इस डिज़ाइन को मल्टी कलर में भी बना सकती हैं। फोर्थ रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से बन जाएगा फ्रेंड्स, से पूरा बन के ये इस तरह से दिखेगा। आप इस डिज़ाइन को छोटे बच्चों के स्वेटर में अप्लाई कर सकती हैं, मल्टी कलर में भी आप इस डिज़ाइन को बना सकती हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।